याद है जब पहली बार मिला था? बात करने से डरता था और अब बहाने बनाने आ गए हैं। पहले याद भी करती थी तो मिलने चले आते थे, और अब मिलने से पहले दो बार सोचते हो। कट इट। हंस क्यों रहे हो? ए, मजाक चल रहा क्या यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं ना। ए, सिगरेट लाओ। सिल क्या है? क्या क्या चल क्या रहा है? एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। कैसे मन लगेगा? कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डायलॉग, वही कहानी। तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यों बज रहा है। वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है, पर वेंकट सर, हर कोई सिल्क नहीं बन सकती। बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क, रोज नया नाटक। कभी सूर्या के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा, कभी तेरी शराब। ऐसा तो बैक अप। अब अपनी फिल्म अपनी उस शकीला को लेकर पूरी कर लेना। रुक जाओ सिल, देख ऐसी गलती मत कर। जो लोग काम को लात मार के जाते हैं ना, सारी जिंदगी हाथ फैला के काम मांगते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैं सिल्क हूँ, सिल्क स्टार हूँ, भूलना मत। स्टार जब खत्म होने लगते हैं ना तो अंधेरे में खो जाते हैं, और खालीपन का अंधेरा जब खाने लगता है ना तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है। रामाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हेलो, रामाकांत को फोन दो। पर मैडम, उनको बोलो सिल्क का फोन है। उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? I'm very sorry madam, मैं उनको disturb नहीं कर सकता। वो रमाकांत सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। सिल्क नाचेगी। नमस्ते, नमस्ते, आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजयन। हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी, उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। हम ट्रेंड बदल देंगे। सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का? पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। योरा मकान, तुम्हें क्या लगता है? सर सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं, वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते, और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है। तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अप्पा से मिलवाना चाहता हूं। हेलो सिल्क मैम, मेरा नाम मुथु है,
मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरा कार्ड। घर पे भिजवा दीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ग्रेट, वैसे ये सेट बड़ा खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज कोई बदमाशी मत करना, अम्मा अप्पा आते होंगे कभी भी। अम्मा की छोड़, तेरे अप्पा की उम्र क्या होगी? सिर्फ प्लीज। फिकर मत करो, तुम्हारे फैमिली के मर्दों में मैं हिट हूं। यू नो, मुझे ऐसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रमाकांत, जरा इधर आना। One second. सुक मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शकीला है। तो तुम शकीला हो? आपने मेरे बारे में सुना है? पर कुछ गलत सुना है। क्यों, क्या हुआ? घर में आईना है, जाके तोड़ दो। झूठ कहता है कि तुम सिर्फ बन सकती हो। आप गलत हो, मुझ में भी कुछ बात है। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर चलो। इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं। जब टेस्ट बदलता है तब वही लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जाने दो उसे, तुम्हारे लायक नहीं है वो। सिल्क जैसी लड़कियां घर में नहीं सिर्फ बिस्तर में ही रहनी चाहिए। ये क्या किया सिल्क? मैंने तो कहा था सोचने वक्त, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। बोल डालो जो भी चल रहा अंदर। सिर्फ एक रात खुद पर काबू नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घर वाले सोचते कि मैं अच्छी लगती हूँ। अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? ये कि तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो। हाँ, तो तुमने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। मैं एक्टिंग पर्दे पर करती हूँ, असलियत में नहीं। मतलब तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी, गंदी घटिया? जिस वजह से मैं सिर्फ बनी वो वजह कैसे छोड़ दूँ? सूर्या ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है। हाँ, लेकिन बिस्तर पे ले जाने लायक है। सिल्क का फंदा दोनों भाइयों के लिए तैयार हो चुका है आज।